हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आप सभी का जेनिक जे स्टडी के इतिहास के पन्नों में आज के तारीख एपिसोड में। गाइस, आज है 20 नवंबर यानी 20 नवंबर, और आज हम देखने वाले हैं कि विश्व के इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं 18वीं शताब्दी से, यानी 1719 से। स्वीडन और हानोवर के बीच पहला बार शांति समझौता हुआ था उस टाइम में, स्कॉटहोम में। आज ही के दिन शांति समझौता पे दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की थी। आज ही के दिन 1789 में न्यू जर्सी जो है वो USA के संविधान को एडॉप्ट किया था, और इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका 12वां स्टेट बना था न्यू जर्सी, बिल ऑफ राइट्स को एक्सेप्ट करने के बाद, संविधान को एक्सेप्ट करने के बाद। आज ही के दिन 1815 में यूरोप में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रूस, प्रशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने एक साथ अलायंस किया था, गठबंधन किया था, जिससे कि यूरोप में युद्ध विराम लग सके। आज के दिन 1866 में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना वाशिंगटन डीसी में, जो एट प्रेजेंट यूएसए की कैपिटल सिटी है, वहाँ पर की गई थी। आज के दिन 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में हंगरी ने बर्लिन पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था, साइन किया था, और धुरी राष्ट्रों के साथ जो उस समय जापान, जर्मनी और इटली लोग थे, इटली के साथ अलायंस किया था। आज ही के दिन 1950 में कोरिया युद्ध में पहली बार यूएसए और चाइना की आर्मी का आमना सामना हुआ था, जिसे यानी कि कोरिया के युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज ही के दिन 1959 में यूएन के द्वारा बच्चों के अधिकार के लिए एक डिक्लेरेशन फाइनल किया गया था, जिसमें बोला गया था कि चिल्ड्रंस के भी कुछ एक स्पेशल राइट्स होने चाहिए। आज ही के दिन 1916 में स्वीडन में यूरोपीय देशों के सातवें नंबर के यानी 7th कन्वेंशन में स्वतंत्र यूरोपीय व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था, जिसको बाद में एफ्टा के नाम से जाना गया। आज ही के दिन 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित डेनमार्क के सबसे फेमस साइंटिस्ट जो थे नील बोर, उनकी मृत्यु हो गई थी। आज ही के दिन 1977 में इजिप्ट के राष्ट्रपति पहले अरेबियन रिप्रेजेंटेटिव बने जो इजराइल की यात्रा पर गए थे, और वहां जाकर के शांति व्यवस्था के लिए इजराइल की संसद को संबोधित किया था। आज ही के दिन 1981 में अफ्रीकी देश जो बुरुंडी है ने संविधान को एडॉप्ट किया था, और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट करने के बाद ये अफ्रीकन कंट्री बना, जो कि वहाँ के अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया। आज ही के दिन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स ने विंडोज़ 1 के नाम से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में लाया था, यानी बाजार में लाया था पब्लिक यूज के लिए। आज ही के दिन 1999 में यानी 1999 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने पहला बार सेंजेन अंतरिक्ष यान का शुरुआत किया था, अपने स्पेसशिप का शुरुआत किया था। आज ही के दिन 2014 में उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र की एक सुरक्षा परिषद के तहत मानवाधिकार परिषद के आज्ञा का अवहेलना करते हुए उनने वार्निंग दिया था, चेतावनी दी थी कि हम दूसरा परमाणु परीक्षण भी करेंगे। चलिए, ये थी विश्व के प्रमुख घटनाएं जो 20 नवंबर को घटी थी। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आज कौन सा डे मनाया जाता है। तो जिस तरीके से भारत में चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, साथ ही साथ एब्सर्डिटी डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं तक था। अब हम आपसे दो क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। पहली बात हम ये बताएंगे कि स्वीडन का वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है। अभी तत्काल जो आपका वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें स्वीडन का कौन सा स्थान है। साथ ही साथ आप हमें ये बताएंगे कि भारत में न्यूज़ एजेंसीज के मामले में, यानी न्यूज़पेपर में, मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के लेवल पे भारत का कौन सा रैंक हासिल है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, कीप लर्निंग।